कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने दोबारा कोविड कमांड सेंटर प्रारंभ भी कर दिए हैं। कोविड कमांड सेंटर से संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1075 भी जारी कर दिया, जिस पर अस्पतालों के साथ साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा भी आमजन को मिलेगी। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को 319 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने कोविड कमांड सेंटर को पुनः प्रारंभ कर दिया है। यहां 50 से अधिक ऑपरेटर लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मरीजों से चर्चा कर उन्हें टेलीमेडिसिन की भी सुविधा देंगे। देखिए, ये कोविड कमांड सेंटर पिछले लगभग दो वर्षों से, जब से कोविड शुरू हुआ तब से हम यहाँ पे संचालित हो रहा था। बीच में अभी क्योंकि कोविड केसेस कम हो गए थे, तो इसको हमने अभी टेम्परेरी स्विच बंद किया था। अब फिर से क्योंकि अब कोविड केसेस में बढ़ोतरी हुई है, तो अभी एक दिन पहले से इसको फिर से संचालित करना शुरू किया गया है। ये वही कोविड कमांड सेंटर है जिसमें हम पूरे जितने पॉजिटिव केस हैं उनके हर तरह की मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है। इसमें सबसे पहले तो होम आइसोलेशन का मॉड्यूल यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो जो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको हमें होम आइसोलेट करना है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग यहाँ से होगी। यहाँ पे एक ऑपरेटर्स की टीम है, साथ में डॉक्टर्स की टीम है, तो उनको एक तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम मॉनिटरिंग करेंगे, दूसरा ऑडियो कॉल करके उनका रोज़ सुबह और शाम 7 दिन तक लगातार स्टेटस लिया जाएगा कि उनकी स्थिति कैसी है। अगर उनकी स्थिति ठीक है तो वो कंटिन्यू रखेंगे, अगर उनको ऐसा लगता है कि स्थिति बिगड़ रही है तो फ़ौरन RRT भेज के उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जो सुविधा है वो 1075 की है, जो एक टोल फ्री नंबर है हेल्पलाइन का। उसमें कोई भी व्यक्ति जिसको कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, जैसे कि कौन सा हॉस्पिटल में जाना है या किस तरह से वैक्सीनेशन कराना है, नियरेस्ट सेंटर क्या है, तो इस तरह की कोई भी जानकारी यहाँ पे इमीडिएटली उनको यहाँ पे 24 घंटे मिल सकती है। यहाँ पे 3 शिफ्ट्स में हमारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे एक टेलीमेडिसिन की सुविधा हमने प्रारंभ की है, जिसमें अगर जिसके नंबर हम बहुत अभी फ्लैश कर रहे हैं, उसमें अगर किसी संबंधित व्यक्ति को कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे तत्काल ही उनको उसका जवाब मिल जाएगा। कोविड कमांड सेंटर पर विदेश से आने वाले यात्रियों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी सेंटर से होम आइसोलेशन की व्यवस्थाओं की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। संक्रमित हो चुके मरीजों से ऑपरेटर दिन में 2 से 3 बार चर्चा कर उनका हालचाल जानेंगे। चौथा जो यहाँ पे सुविधा है, वो अब हम एक इंटरनेशनल पैसेंजर्स जितने आ रहे हैं उनकी पूरी ट्रैकिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उनके कोविड टेस्ट कराया, और अगर कराया है तो क्या उनको किस तरह के रिजल्ट आए हैं क्या, तो ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे अभी इमीडिएटली 24 घंटे के लिए ऑपरेशनल कल से हो चुके हैं। सर, अभी तो हमारे पास जितने हैं उनकी तो हम कर ही रहे हैं, रेगुलर जो नए आते जा रहे हैं उनकी भी तुरंत जो है वो मॉनिटरिंग प्रारंभ नहीं? देखिए, जैसे यहाँ के प्रोटोकॉल ये है कि कल रात को जो लिस्ट आती है जिसमें हमें पॉजिटिव डिक्लेयर होते हैं, उनकी आज सुबह से कॉलिंग चालू हो जाती है। जैसे कल रात को 319 केसेज आए हैं, तो आज सुबह 8 बजे से आज लगभग 12 बजे तक हम पूरे 319 पेशेंट्स को हम कॉल करेंगे, उनका पूरा स्टेटस लेंगे, उसको अपने सिस्टम पे अपलोड करेंगे, और वही स्टेटस फिर इमीडिएटली आज शाम तक 7 तक पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो हम तो पहले दिन से ही उनको ट्रैक करते हैं, और कल मतलब जो आज अपलोड होगा कल से पूरा 7 तक पोर्टल से उनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हम राइट फ्रॉम डे 1 हम इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। मरीजों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन ने कोविड कमांड सेंटर में 50 ऑपरेटर नियुक्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।